Hello friends, myself Ray Bhardwaj and you are watching my YouTube channel CSE Tutorials for You, that means Computer Science and Engineering Tutorials for You. So friends, PHP Tutorial Series के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉलर और डबल डॉलर सिंबल के बारे में. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं और मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर हमें PHP में किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करना होता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंगल डॉलर, इसे डॉलर लिखते हैं, देन वेरिएबल का नाम इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू देना होता है. तो ऐसे हम लोग वेरिएबल को वैल्यू देते हैं और अगर उसको वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हम यहाँ इको या फिर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यहाँ डॉलर ए लिख करके उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं और जब इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं तो हमको उसका आउटपुट प्रोवाइड होता है जो भी हमने वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया था. बट देखिए, यहाँ पर जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ये एक नॉर्मल वेरिएबल है. तो यहाँ पर देखिए, हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए डॉलर का भी यूज कर सकते हैं या डबल डॉलर सिंबल का भी यूज कर सकते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करना है और उस नॉर्मल वेरिएबल में किसी भी प्रकार के वैल्यू को स्टोर करना होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं. बट अगर आपको कुछ ऐसा रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका यूज़ करके आप किसी वेरिएबल के अंदर दूसरे वैल्यूज़ को और स्टोर कर सकते हैं तो वैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको डबल डॉलर सिंबल का यूज़ करना होगा. जैसे मैं बताता हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, डबल डॉलर सिंबल का यूज हम लोग रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक नॉर्मल वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है डॉलर ए इक्वल टू 10. अब मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ डबल डॉलर ए इक्वल टू 20. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए तो हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, बट अगर हम यहाँ डबल डॉलर का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ए लिखे हैं तो ए क्या है? हमारा ये ए रेफरेंस वेरिएबल है जो इस 20 वैल्यू को ए डॉलर ए मतलब इस वेरिएबल के अंदर में स्टोर करेगा और जब हम लोग इसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जैसे कि देखें यहाँ पर तो मैंने प्रिंट किया है इको डॉलर ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है. अगर हमको डबल डॉलर के थ्रू इको के थ्रू वैल्यू को प्रिंट करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा डबल डॉलर ए देन सेमी कॉलन इसके बाद प्रोग्राम को सेव करेंगे तब देखेंगे हमें वैल्यू में आउटपुट के रूप में प्रिंट हो रहा है 10 और 20. देखिए वेरिएबल सेम है बट वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस हो गया. क्यों? पहले जब हम लोग अगर सिंगल डॉलर में प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 10, बट यहाँ पर हम लोग डबल डॉलर के साथ जब ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 20. तो सो फ्रेंड्स, ये जो ए वेरिएबल में 20 वैल्यू स्टोर हो रहा है तो ये रेफरेंस वैल्यू है जो कि इस डॉलर ए वेरिएबल के अंदर में ही स्टोर हो रहा है. अगर हम डबल डॉलर के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर शो होती है. अगर आप कुछ ऐसा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर के साथ और यहाँ पर नम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ, तो जब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर ये एरर मैसेज शो करेगा कि जो ये अपना हम लोग नम वेरिएबल जो क्रिएट किए हैं ये एक अनडिफाइंड सिंबल है. चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने इसे लिखा, देन प्रोग्राम को जब हम लोग यहाँ रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो रहा है लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5 में कि अनडिफाइंड वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल हमारा अनडिफाइंड है. देखिए लाइन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, डबल डॉलर नम इक्वल टू 20, और लाइन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इको यहाँ पर नम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि रेफरेंस वेरिएबल में मतलब हम लोग जो पहले से कोई वेरिएबल क्रिएट है और उसी वेरिएबल में और दूसरे वैल्यू को स्टोर कराना है तो उसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर डॉलर ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसी ए नाम के वेरिएबल का मेरे को रेफरेंस वेरिएबल बनाना है और वैल्यू को स्टोर कराना है तो यहाँ पर हम लोग डबल डॉलर देन जो भी वेरिएबल का नाम है जो कि दोनों जगह सेम होगा उस वेरिएबल का नाम लेंगे और यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करा देंगे तो वो वाला वैल्यू उसके रेफरेंस में जा कर के स्टोर हो जाएगा और जब हम लोग डबल डॉलर के साथ उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट में उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा. वैसे ही अगर आप इसकी वैल्यू को मैसेज के साथ कॉन्कैटेनाइज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे इको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डबल इनवर्टेड कॉमा और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ
डॉलर ए एंड वैल्यू ऑफ डबल डॉलर सॉरी ए देन यहाँ पर सेमी कॉलन देन प्रोग्राम को सेव किए। अब देखिए जब मैं प्रोग्राम को आउटपुट में प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ डॉलर 10। मतलब यहाँ भी ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 10 ही प्रिंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर डबल डॉलर का वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए सिंगल डॉलर मतलब डॉलर ए को ही वो केवल प्रिंट कर रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पर इस मैसेज के साथ इसको कॉन्कैटेनाइज करते हैं, मतलब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देन यहाँ पर डॉट, यहाँ पर भी डॉट, उसके बाद यहाँ पर वापस से यहाँ स्पेस दे देते हैं डॉट, उसके बाद यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर डॉट और यहाँ पर से डबल इनवर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। अब प्रोग्राम को सेव किए देन वापस से प्रोग्राम को रीलोड करते हैं तो अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ डॉलर फर्स्ट की ए की वैल्यू प्रिंट की थी तो 10 एंड वैल्यू ऑफ डबल डॉलर ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है 20। तो फ्रेंड्स ऐसे भी हम लोग इन वेरिएबल्स को रिफरेंस वेरिएबल को मैसेज के साथ कॉन्कैटेनाइज करके आउटपुट में वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, देन हम उसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे पर डे अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।